हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये यूपीएससी का 2023 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और जिसमें फिजिक्स ऑप्शनल पेपर रहा है, उसी का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आपकी तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने यूपीएससी का 2021 का 22 का इस तरह से कुछ पेपर सोल्व भी किए हुए हैं जिनका फिजिक्स ऑप्शनल पेपर रहा है। तो सबसे मेन चीज़ मैंने क्या पता की है, इसी तरह यूपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है जिसका, तो वो यूपीएससी आईएफएस वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैंने यूपीएससी का आईएफएस का भी क्वेश्चन पेपर्स सोल्व किए हुए हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के। तो आप देख सकते हो, अगर आपको यूपीएससी के लिए मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो एक बार जो है यूपीएससी के आईएफएस के भी पेपर्स को जरूर सोल्व करके देखें। यूपीएससी आईएफएस में यही क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया हुआ है। अब ये 2023 में दोबारा से पूछा हुआ है तो मैं 2023 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये फर्स्ट ए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन एन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल फॉर द फॉलोइंग केसेस। यू नीड टू कैलकुलेट जीरो पॉइंट एनर्जी फॉर ए पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तीन केसेस मेरे पास गिवन है और इसकी एनर्जी को हमें कंपेयर करना है और कमेंट करके बताना है। फर्स्ट है एक 100 ग्राम बॉल है जो कि 5 मीटर लॉन्ग वायर में ही कन्फाइड है, यानी वो इसी वायर के लाइन के अंदर रहेगी, यहीं से मोमेंट रहेगी। नेक्स्ट है एन ऑक्सीजन एटम कन्फाइंड टू ए 2×10⁻¹⁰ मीटर लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड टू ए 10⁻¹⁰ मीटर एटम, वाई जीरो पॉइंट एनर्जी इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक कमेंट। ये क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रही हूँ, मैं तीनों पार्ट को सोल्व करूँगी और फिर कंपेयर करके कमेंट करके एनर्जी बताऊँगी। देखिए, हमें पता होना चाहिए जीरो पॉइंट एनर्जी किसी पोटेंशियल वेल है, ये है जो कि इसी रेंज के अंदर लिमिटेड है, इसकी लेट अस से दैट इज ए विड्थ ऑफ वेल। तो जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ए पोटेंशियल वेल, ये फॉर्मूला होता है एनएच स्टेट के लिए, जनरल एनएच स्टेट के लिए एनर्जी होती है एन स्केयर पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ma². अगर मेरे पास एन वन है तो जीरो पॉइंट एनर्जी, एन मिनिमम जीरो वन से स्टार्ट होता है, जीरो के लिए तो एनर्जी जीरो हो जाएगी और पार्टिकल कन्फर्म है, प्रेजेंट है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, तो इवन आ जाएगी। यहाँ पे एन को वन रखो, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ma², पाई की वैल्यू है 3.14 होल स्केयर, एच क्रॉस एच बाई 2π, एच की वैल्यू होती है 6.634 बाई 2×3.14। ये बार बार यूज होती है क्वेश्चंस में तो आप याद रख सकते हैं, 1.054×10⁻¹⁴ होल स्केयर बाई 2। मास है इसका 100 ग्राम, यानी इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, 100×10⁻³। ए की वैल्यू है हमारे पास 5 मीटर, ये वेल ये है लेंथ 5 स्केयर, दैट इज इक्वल टू 3.14 होल स्केयर 1.054 होल स्केयर × 10⁻¹⁸ बाई 2×25 यानी 50×10⁻¹⁹, दैट इज 0.1। इट कम्स आउट टू बी 2.190×10⁻¹⁸ जूल। अब इस एनर्जी को आप कोशिश करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में छोड़ें, 2.190×10⁻¹⁸ बाई 1.6×10⁻¹⁹ से डिवाइड करें एंड इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1.368×10⁻¹⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। आप देख सकते हैं 10⁻⁴9 का स्केल है तो आप लिख सकते हो ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए था, दिस एनर्जी इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड। नेक्स्ट निकालनी है जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखिए, ऑक्सीजन एटम में 16 न्यूक्लियंस होते हैं, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, सिंबल अगर आपको याद है तो 16O8, यानी 16 न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस किससे बनते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को कंबाइन करके, 8 प्रोटॉन्स हैं 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन एटम का मास निकालिए आप 16, और ये होता है AMU में। इसको केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1.6×10⁻²⁷ केजी से मल्टीप्लाई करके। अगर आपको ये कन्वर्जन चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं बीएससी फोर्थ सेम ऑनर्स एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें मैंने कन्वर्जन डाला हुआ है, कन्वर्ट AMU इनटू एटॉमिक मास यूनिट इनटू केजी। तो ये इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रही है 25.6×10⁻²⁷ केजी। अब एनर्जी मेरी ग्राउंड स्टेट की थी, पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2ma², पाई की वैल्यू है 3.14 होल स्केयर, एच क्रॉस की वैल्यू है 1.054×10⁻¹⁴ होल स्केयर बाई 2 इंटू
m की वैल्यू है 25.6 इंटू 10 रिज़ टू पावर माइनस 27 और a की वैल्यू है 2 इंटू 10 रिज़ टू पावर माइनस 10 होल स्केयर। ये वैल्यू आ रही है 0.5 इंटू 10 रिज़ टू पावर माइनस 22 जूल। मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँगी। डिवाइड दिस वैल्यू बाई ए फैक्टर ऑफ 1.6 इंटू 10 रिज़ टू पावर माइनस 19। इट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10 रिज़ टू पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन आपको पता है काफ़ी लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 के जी। आप देख सकते हैं ये 10 टू पावर माइनस 31 के जी में जब आपने बोल ली थी वो 100 ग्राम की ली थी यानी 0.1 के जी, तो ये काफ़ी स्मॉल है। दैट कम्स आउट टू वी 10 टू पावर माइनस 30 के जी। ए मेरे पास क्या है, विड्थ क्या है इसकी वेल की 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। एनर्जी का फॉर्मूला पता है पाई स्केयर एच क्रॉस स्केयर बाई 2 एम स्केयर यानी 3.14 होल स्केयर इंटू 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 होल स्केयर बाई 2 इंटू मास है 10 टू पावर माइनस 30 के जी। ए है 10 टू पावर माइनस 10 होल स्केयर और जूल में ये वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल। और इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँगी यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मैं इसको डिवाइड करूँगी तो ये आएगा 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या है, सो द 0 पॉइंट एनर्जी इज नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। दिस इज माइक्रोस्कोपिक, दोज आर माइक्रोस्कोपिक। तो आप देख सकते हो ये एनर्जी तो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, लेकिन ये एनर्जी कितनी आ रही थी 10 टू पावर माइनस 49, काफ़ी स्मॉल है। इसी तरह से ये भी स्मॉल है एज कम्पेरेबली 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द 0 पॉइंट एनर्जी इज नेग्लिजिबल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बट इम्पोर्टेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आप देख सकते हो तो उसकी नेग्लिजिबल ही है। इस तरह से आप कमेंट्स कर सकते थे। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।